नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत ओपी या थाना प्रभारी की शिकायत निःशुल्क कैसे दर्ज करवा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, यह बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत प्रपत्र एक आवेदन के लिए फॉर्म है। यह लोक शिकायत निवारण के केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध रहता है, या जिनके पास नहीं है तो वो अपना इस तरह सादे कागज पर आवेदन लिख भी सकते हैं। सेवा में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल स्तर के शिकायत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को किया जाता है, इसलिए अनुमंडल का नाम लिख दे देंगे और उस जिले का नाम लिख देंगे। अपना परिवादी जो भी शिकायत करता है वो अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम या पति का नाम लिखेंगे, अपना पूरा पता लिख देंगे, पिन कोड अवश्य दे देंगे और अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। ईमेल और आधार कार्ड देना ऐच्छिक है, अपनी इच्छा अनुसार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब चार में भरना है लाभ या राहत। चार में आपको किस तरह का लाभ चाहिए, मतलब थाने में क्या शिकायत है आपको, जैसे FIR कराना है या जो भी कार्रवाई करवानी हो, नहीं हो रही हो तो उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। और अगर आपको कुछ बातें अधिक लिखनी हो तो अलग से एक सादा कागज पे आप अपनी बातें लिख के साइड से इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ, अलग से पन्ने लगाए जा सकते हैं। तो मैंने एक पन्ना आवेदन इस तरह चार परिवार करके लगाया हुआ है पूरा, जो भी कहना चाहते हैं आप लोग इस तरह करके लगवा देंगे। अब ख में है कि किस पदाधिकारी की शिकायत करना चाहते हैं। जैसे मैंने इस आवेदन में थाना ओपी की शिकायत किया है, ओपी अध्यक्ष की, इसलिए उस पदाधिकारी का नाम दे देंगे। ओपी अध्यक्ष या थाना अध्यक्ष, जो भी संबंधित थाना हो जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं। पुलिस विभाग, गृह विभाग में आता है इसलिए पुलिस विभाग या गृह विभाग लिख देंगे। और आपने जो थाना में आवेदन दिया होगा या कोई भी कागजात जमा किए होंगे, उसकी रिसीविंग नहीं दी होगी या दी होगी, उससे संबंधित या आपने जो शिकायत किया है उस वाद से संबंधित अगर कोई आपका दस्तावेज हो आपके समर्थन में, तो ये पॉइंट टू पॉइंट दो तीन जितना भी हो यह लिख देंगे कि मेरे पास ये सब दस्तावेज है, इसको संलग्न कर देंगे इसके साथ। अब छः में है क्या परिवाद पहले भी किया गया था, मैंने इस तरह की कोई शिकायत आपने पहले भी की थी, यदि हाँ तो आप हाँ देंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं देंगे। अगर हाँ होगी तो उस समय जो परिवाद दायर किया गया था उसका क्या जवाब प्राप्त है या नहीं, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अब है कोई आठ में है कोई अन्य सूचना जिसका आवेदन में उल्लेख करना चाहते हैं। अगर आप और भी कुछ मुख्य बातें आवेदन में शिकायत में कहना चाहते हैं तो आप उसका यह लिख देंगे इसमें कि किस कारण से हमारा नहीं हो रहा, या रिसीविंग नहीं दे रहा, या व्यवहार ठीक से नहीं कर रहा, काट के भगा दिया, जो भी आपको कहना हो इसमें कह सकते हैं। और जिस दिनांक में आप आवेदन देंगे उसका दिनांक और अपना हस्ताक्षर कर देंगे। यह आपका बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के तहत FIR दर्ज करने की मैंने शिकायत की थी, जिस पर मेरा शिकायत सुना गया और आदेश पारित होकर FIR दर्ज भी किया गया था। आप लोग देखें, यह अंतिम जो है आदेश है जिसमें जो है कांड संख्या इतना दर्ज कर दिया गया है, यह डिजिटल साइन है अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का मोहर से। इसलिए आप लोग भी निःशुल्क यहां शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इसमें निसंकोच शिकायत दर्ज करें और अपना लाभ प्राप्त करें। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवश्य करें, जिससे एक दूसरे को जानकारी मिल सके, और बेल आइकन दबा लें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाए। जय हिंद।